आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मेरी आत्मा पीड़ित है। अपनी जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है, मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है। थोड़े दिन में मैं सीएम का बंगला छोड़ दूंगा। आज दिल्ली के अंदर मेरे पास घर भी नहीं है रहने के लिए। मैंने कुछ नहीं कमाया 10 साल के अंदर, केवल आपका आशीर्वाद कमाया, आपका प्यार कमाया है 10 साल के अंदर। मैं सीएम आवास छोड़ दूंगा और आप में से ही किसी के घर आके मैं आपके साथ रहना चालू कर दूंगा। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था। इन नेताओं की मोटी चमड़ी है, इनके ऊपर जितने मर्जी आरोप लग जाए इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मैं नेता नहीं हूं, मेरी मोटी चमड़ी नहीं है, मेरे को फर्क पड़ता है। जेल से बाहर आ गए और जेल से बाहर आने के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया। आपके मन में यह चल रहा होगा कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था। मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को। मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया। पैसे कमाने होते इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था। उस नौकरी में जितने करोड़ों रुपए चाहता मैं कमा सकता था। पैसे नहीं कमाने, देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे, देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे। दोस्तों, इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। इन नेताओं की मोटी चमड़ी है, इनके ऊपर जितने मर्जी आरोप लग जाए इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मैं नेता नहीं हूं, मेरी मोटी चमड़ी नहीं है, मेरे को फर्क पड़ता है। मेरे पे जब ये कीचड़ फेंकते हैं बीजेपी वाले, मेरे को जब ये चोर कहते हैं, मेरे को जब ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, मेरे को जब ये गाली देते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मेरी आत्मा पीड़ित है, मैं अंदर से बहुत दुखी हूं और इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया। मैंने अपनी जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, मैंने अपनी जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है, मेरी पार्टी के बैंक में कोई पैसा नहीं है, मैंने केवल इज्जत कमाई है। आज 10 साल के बाद जब मैंने इस्तीफा दिया है, थोड़े दिन में मैं सीएम का बंगला छोड़ दूंगा। आज दिल्ली के अंदर मेरे पास घर भी नहीं है रहने के लिए। मेरे को कई लोग कहते हैं, कैसा आदमी है यार तू, 10 साल राजनीति करी, 10 साल सीएम रह गया, 10 साल में तो 10 कोठियां बन जाती, 10 घर बन जाते, 10 प्लॉट बन जाते। मैंने कुछ नहीं कमाया 10 साल के अंदर, केवल आपका आशीर्वाद कमाया, आपका प्यार कमाया है 10 साल के अंदर। और उसी प्यार का नतीजा है आज जब मैं घर छोड़ूंगा, मेरे पास इतने लोगों के फोन आ रहे हैं, इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, जी मेरा घर ले लो, मेरा घर ले लो, मैं किराया नहीं लूंगा, मेरा घर ले लो। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध खत्म होने के बाद जैसे ही नवरात्र शुरू होंगे मैं सीएम आवास छोड़ दूंगा और आप में से ही किसी के घर आके मैं आपके साथ रहना चालू कर दूंगा। इन्होंने, मोदी जी ने हमारे ऊपर सबसे कठोर कानून लगाया इस देश का, ईडी का कानून, पीएमएलए, उसमें बेल भी नहीं मिलती, उसमें बेल भी नहीं मिलती, लेकिन केस फर्जी था। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने हम सबको बेल दे दी, क्योंकि उनको भी पता था कि केस खत्म है, केस बेकार है, उन्होंने हम सबको बेल दे दी। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैंने केवल ईमान, जब मैं जेल से आया मैंने मन में सोचा था जब तक कोर्ट मेरे को बाइज्जत बरी नहीं कर देता मैं दोबारा कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। लेकिन मेरे को वकीलों ने कहा ये केस अभी 8 साल चल सकता है, 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, ये केस का कोई भरोसा नहीं है, ये केस अभी बहुत लंबा चलेगा। तो मैंने तय किया मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता से पूछूंगा
कि जनता मेरे को बताए कि मैं बेईमान हूं कि मैं ईमानदार हूं। मैं दाग के साथ नहीं जी सकता। दाग के साथ काम करना तो दूर की बात है, मैं दिस दाग के साथ मैं जी भी नहीं सकता, मैं जिंदा भी नहीं रह सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं बेईमान होता क्या मैं दिल्ली में बिजली फ्री कर सकता था? दिल्ली में बिजली फ्री करने के 3,000 करोड़ रुपए लगते हैं। अगर मैं बेईमान होता ये 3,000 करोड़ रुपए खा जाता, बिजली फ्री करने की क्या जरूरत थी? अगर मैं बेईमान होता क्या मैं महिलाओं का किराया फ्री करता? क्या जरूरत थी फ्री करने की? पैसे खा जाता सारे। अगर मैं बेईमान होता क्या आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाता? सारे पैसे खा जाता। अगर मैं बेईमान होता आपका इलाज मुफ्त करता? पैसे खा जाता सारे। इन लोगों की 22 राज्यों में सरकार है, 22 राज्यों में कहीं बिजली फ्री नहीं है, तो चोर कौन है? इनकी 22 राज्यों में सरकार है, कहीं महिलाओं का किराया फ्री नहीं है, तो चोर कौन है? आज आपके बीच में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, केजरीवाल चोर है या केजरीवाल को जेल भेजने वाले चोर हैं? जिन जिन लोगों को लगता है केजरीवाल ईमानदार है, हाथ खड़े करके बता दो जरा से। ये कैमरे वाले जरा से दिखा दो कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। जिन जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ गंदा राजनीतिक षड्यंत्र रचा था, जिन जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ बहुत बुरा षड्यंत्र रचा था, हाथ खड़े कर दो सब लोग।